के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खास लहसुन के प्रयोग की चर्चा करेंगे। लहसुन के प्रयोग को खास विधि से अगर उपयोग करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं ब्लैक मैजिक या कोई इविल स्पिरिट, भूत प्रेत बाधा, ये नष्ट होनी शुरू हो जाती है। खासतौर पर इसका उपयोग तब लोग करते हैं, वहाँ होता है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है स्पिरिट की कोई समस्या है या भूत प्रेत जैसी कोई बाधाएं हैं, ऐसा आपको महसूस होता है तो वहाँ पर ये उपयोग किया जाता है। लेकिन उसकी उपयोग करने की एक पद्धति है, एक विधि है, उस विधि को आज चर्चा करेंगे। कहने का अर्थ ये है, अगर आपका शरीर हिलता है, आपको नींद नहीं आती, रात को अचानक उठकर बैठ जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है शरीर, आपको लगता है कमरे में कोई है, इस तरह का महसूस होता है, आपको लगता है रास्ते में जाते समय कोई पीछे चल रहा है या कोई साया है ऐसा जो आपके साथ चल रहा है, कोई आपके पीछे है, इस तरीके के अनुभव अगर आपको मिल रहे हैं तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये करने से आप ऐसा महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों में उससे आपको लाभ मिलता है। तो कहने का मतलब है कि आपके ऊपर जैसे किसी की सवारी आ रही है और एक नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है, जिसको कहते हैं इविल स्पिरिट, कोई आपको परेशान कर रहा है, जाने अनजाने आपका शरीर हिलता है, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं और आप क्या करते हैं आपको पता भी नहीं चलता, दूसरे आपको बताते हैं कि आपने ये किया, तो ऐसे समय पर ये उपाय करने चाहिए या उनके घर वालों को ये उपाय करने चाहिए। कहने का मतलब ये है, नॉर्मली किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, ब्लैक मैजिक, नज़र और भूत प्रेत जिसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशंस, नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, ये जैसी कोई अड़चने हैं तो उनको निकालने के लिए ये प्रयोग बहुत पावरफुल माना जाता है। करना क्या है, ढीले-ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ, जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ, इस तरीके से। तो ये बैठने के बाद दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए एक विशिष्ट तरह की मुद्रा लगाओ। ये देखिए, ये मुद्रा, इसको प्रतिकार मुद्रा कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं ऐसे, इसको ऐसे नहीं जिए, ये ऐसे दोनों हाथ से ऐसा रखना है तो ऐसे रख के आप अपने छाती पर रख लो, मतलब इसी पोज में जैसे मैं दिखा रहा हूं। इसको प्रतिकार मुद्रा, यानी कोई चीज होती है तो आप उसका प्रतिकार कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, ये उसका मतलब होता है। तो ये प्रतिकार मुद्रा, तो इसको आप इस तरीके से करें, दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा आपकी लगी रहेगी, प्रतिकार मुद्रा, और अपने सामने, यानी 10 बार प्राणायाम हो गया, अब अपने सामने एक प्लेट में 11 लहसुन से छीले नहीं, बिना छीले 11 लहसुन के टुकड़े उस जगह पर प्लेट में रखें और यही मुद्रा लगाकर एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र उसका जाप करना है। और वो मंत्र है, याद रखें, ये मुद्रा, इसको प्रतिकार मुद्रा कहते हैं, बार बार दिखा रहा हूं मैं आपको, प्रतिकार मुद्रा, ये करें और बस आगे चक्र पर ध्यान देते हुए ये मंत्र का जाप करें। और वो मंत्र है, ओम ह्रीम घूम 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 फट, ओम ह्रीम घूम 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 फट, ओम ह्रीम घूम 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 फट,
ओम ह्रीम घूम 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 फट, ओम ह्रीम घूम 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 फट, ओम ह्रीम घूम 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 फट, ओम ह्रीम घूम 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 फट। इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीम घूम 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 फट, ओम ह्रीम घूम 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 फट। इसमें जो ह्रीम बीज मंत्र होता है ये माया बीज कहा जाता है, ये जो घूम बीज है इसे घुमोरना बीज मंत्र कहा जाता है। घुमोरना बीज मंत्र की बात करें तो इस पर एक अलग से वीडियो आने वाली है। घुमोरना जो होती हैं ये यमराज की बीवी का नाम है घुमोरना, और इनका कार्य है वध की देवी, नष्ट करने वाली देवी, जहां तहस नहस कर देने वाली देवी मानी जाती हैं। और फट जो है अस्त्र मंत्र कहा जाता है, सुरक्षा मंत्र कहा जाता है। तो ओम ह्रीम घूम 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 फट ये जो मंत्र बहुत पावरफुल माना जाता है। तो ये मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करें, एक माला दो माला तीन माला चार माला पांच माला जो भी कर सकते हैं, कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको 11 माला 20 माला करना है, लेकिन एक माला दो माला के ऊपर ही मंत्र का जाप करें, बस ये करें, उसके पास समाप्त हुआ। आप किसी को फल या भोजन का दान कर दें, फल या भोजन का दान करने के बाद जो लहसुन है, जो 11 लहसुन है उसको आप सुई से मतलब धागे को जिसे सीते हैं तो छेद करके पिरो लें, 9 लहसुन को पिरो लें, पिरो लें उसको गांठ मार लें, एक हार जैसा गोल हार जैसा बन जाएगा, तो 9 लहसुन को पिरो लें, और वो पिरोने के बाद उस छोटे से हार को किसी घर के किसी भी कोने में, मंदिर की जगह छोड़ के घर के किसी भी कोने में उसको रख दो, या कोई जो रोगी जिनको ये समस्या है उसके बेडरूम में, उसके रूम में, उसके कमरे में ये रख दो। बस आप महसूस करेंगे जैसे 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 लहसुन सूखता जाएगा वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि सामने वाले की जो अड़चने हैं ये ठीक होती चली जा रही हैं, उसके ऊपर जो इस तरह के दौरे या स्प्रिट की बाधाएं जो आ रही हैं या भूत प्रेत की जैसे बाधाएं मानी जाती हैं वो जो भी है इस तरह की चीजें कम होती चली जा रही हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। जब आप ये देखें कि ये सूखने वाला है तो एक दिन पहले फिर से तैयार कर लें। इसको तैयार करने का जो दिन होता है शनिवार या अमावस्या, सूरज डूबने के बाद इसे तैयार किया जाता है इसी पद्धति से। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये मुद्रा लगाई, 10 बार प्राणायाम किया, सामने कटोरे में 11 लहसुन के पीस रख लिए बिना छीले हुए, सेम मुद्रा लगा के आपको ये मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान करते हैं, दान करने के बाद सुई धागे से उस 11 पीस को आप सी लो, और सीने के बाद एक जब धागा जैसा एक हार जैसा बन जाएगा तो उसको उस पेशेंट के या जिस कमरे में या जिस जगह पर ज्यादा समस्या है उस जगह पर उसको लगा दो। बस वो जैसे जैसे सूखते जाएगा आपको महसूस होगा कि जैसे अड़चने हैं कम होती जा रही हैं। जब आपको लगे कि अभी और चाहिए तो किसी भी शनिवार को अमावस्या को ये फिर से तैयार कर दो, पहला वाला पानी में फेंक दो, दूसरा वाला रख दो, तो आपको ऐसा लगे। ये करने से क्या होता है कि इविल स्पिरिट नकारात्मक जो एनर्जी है ये प्रवेश नहीं करती। बहुत सी महिलाओं में भी ये अड़चन आती है, कोई दूसरी शक्ति उनके ऊपर कब्जा करती है, तो उन्हें भी ये उपाय करना चाहिए। कब्जा करने से क्या वो सो नहीं पाती, उनको बहुत समस्या आती, तो ये उपाय बहुत काम में आता है और बहुत पावरफुल उपाय है। और अगर आपको फायदा मिलता है तो आप लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करें। धन्यवाद।